good morning students today i will further continue the revision of ninth chapter of civics Tawa matsasang when dams are built or forest areas declare centuries for animals थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर displaced. जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं होल विलेजर होल विलेज आर अपरूटेड एंड पीपल आर forced टू गो एंड बिल्ड न्यू होम्स start न्यू लिव elsewhere पूरे के पूरे गांवों के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर और इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं इन अर्बन एरियाज टू बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव और ऑफेन अपरूटेड शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियाँ जहाँ गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है सम ऑफ देम आर रीलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाक़ों में दोबारा बसाया जाता है Their work, as well as their children's schooling, is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations. इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर होने या दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है दिस डिसप्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ इज ए प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन अवर कंट्री लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है पीपल यूजली कम टूगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिसप्लेस देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो कि विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत संघ ए फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस फॉरेस्ट डेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश इस अध्याय में हम तवा मत्संग के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट द तवा फ्लो ट बेतुल बिफोर जॉइनिंग द नर्मदा इन होसंगाबाद, छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होसंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बेतुल होती हुई आती है द तवा डैम विगेन टू बी वील इन नाइनटीन फिफ्टी एट एंड वाज कम्प्लीटेड इन नाइनटीन सेवेंटी एट तवा पर एक बांध का निर्माण उन्नीस सौ अट्ठावन में आरम्भ हुआ और उन्नीस सौ अठहत्तर में पूरा हुआ इट समर्ज लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विथ नथिंग जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे सम ऑफ द डिसप्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वर एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मीजर फार्म फाउंड ए लेवलीहुड इन फिशिंग इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ कर किया अर्न वेरी लिटिल वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे इन 1994 नाइन्टी फोर द गवर्नमेंट गेव द राइट फॉर फिशिंग इन तवा रिजर्वर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया दीज कॉन्ट्रैक्टर्स लोकल पीपल अवे एंड गॉड चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए द कॉन्ट्रैक्टर्स विगन टू थ्रिएटन द विलेजर्स Who did not want to live by bringing in फोडलम्स ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया क्योंकि लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे द विलेजर्स इज टू यूनाइटेड एंड डिसाइडेड दैट इज वाज दैट इट वज टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है इस तरह तवा मतसंघ नाम के संगठन को बनाया गया द नेवली फॉर्म तवा मतसंघ ऑर्गेनाइज रैलीज एंड ए चक्का जाम डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड नवगठित तवा मत संघ यानि टी एम एस ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड ए कमेटी टू एसेज द इश्यू यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स वी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लिवलीहुड समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की इन 1996 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव टू द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम द फिशिंग राइट्स फॉर द रिजर्वर उन्नीस सौ छियानबे में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहां के विस्थापितों को ही दिया जाएगा ए फाइव इीज एग्रीमेंट वाज साइन टू मंथ्स लेटर दो महीने बाद सरकार ने तवा संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए पांच वर्ष का पट्टा यानी लीज देना स्वीकार कर लिया ऑन जनवरी टू 1997, नाइन्टी सेवन पीपल फ्रॉम थर्टी थ्री विलेज ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच और इस तरह दो जनवरी उन्नीस सौ सत्तानवे को तवा क्षेत्र के तैतीस गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ विथ द टीएमसी टी एम एस टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स सब इस्टेंटली तवा मतसंग के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया दिस वॉज बिकॉज दे सेटअप द कोपरेटिव हिच वो बाय द कैच फ्रॉम दैम एट ए फेयर प्राइस और यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सरकारी सहकारी समिति बनाई जो मछली या जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल दिस इन मार्केट्स वेयर दे वुड गेट ए गुड प्राइस और यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना शमित का ही काम है दे हैव नाउ विगन टू अर्न थ्री टाइम्स मोर देन दे अर्न अर्लियर ये मछुआरे अब पहली की तुलना में तीन गुना ज्यादा कमाने लगे हैं दीएमसी टीएमएस हैज विगन गिविंग द फिश वर्कर्स लोन्स फॉर रिपेयर एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट्स तवा संग ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है बाई मैनेजिंग टू अर्न ए हायर वेज एज वेल एज प्रेशर्विंग द फिश इन द रिजर्वर द टी एम एस हैज शॉन दैट फेन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर राइट्स टू लिवलीहुड दे कैन बी गुड मैनेजर्स मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मतसंघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले पी एस ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स On equality, in the recognition that all people are equal. न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है एज यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉगनाइजेज द इक्वेलिटी ऑफ ऑल पर्सनस आप यह जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है मूमेंट्स एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी इन इंडिया कॉन्टिन्यूसली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक देअर पॉइंट अबाउट इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही चलने वाले संविधान के आधार पर ही क्षमता और न्याय की बात करते हैं द फिश वर्कर इन द तवा मत संघ होप दैट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम ए रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट तवा मत्संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही हैं बाई कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज इट एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं समथिंग दैट हैज रियल मीनिंग इन अवर लिव जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है इन डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिक्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज़ लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए Thank you.